आजमगढ़ से बड़ी खबर, भीषण ठंड लेकिन सुरक्षा भी जरूरी, पुलिस मुस्तैदी देख हर कोई दंग। जी हां, आजमगढ़ के रानी की सराय, हड्डियों को गलाने वाली ठंड में पुलिस अपनी ड्यूटी सक्रियता से कर रही है, जिसको देखकर लोग कह सकते हैं कि हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे सैनिकों के ऊपर है। देश के अंदर घरों में हमें सुरक्षित रखने वाली पुलिस भी उसी मजबूती से सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। जैसे ही हमारे देश के सेना के जवान सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ आलम आज शाम लगभग 6 बजे रानी की सराय पुलिस का रानी सराय रोड पर गश्त करते देखने को मिला। रानी की सराय थाना प्रभारी केशव प्रसाद द्विवेदी एवं रानी की सराय की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद दिखी। एक ओर ठंड का प्रकोप तो दूसरी ओर शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी लेकर चल रही पुलिस रानी की सराय शंकरपुर चेक पोस्ट तिराहा के पास वाहनों की चेकिंग की, जिसमें थाना रानी की सराय थाना प्रभारी केशव प्रसाद द्विवेदी एवं हमरा दीपक यादव, प्रमोद यादव, अमित कुमार सिंह आदि मौजूद रहे, जिन्होंने अराजक तत्वों पर अपनी निगाह बनाए रखने के साथ ही साथ वाहन स्वामी को सही सलाह दी, जिससे सही नियमों से कार्य किए जाएं और हो रही दुर्घटनाओं से निजात मिल सके, और सभी को कागज रखने व हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे लोगों की सुरक्षा हो सके। रानी की सराय थाना प्रभारी केशव प्रसाद द्विवेदी द्वारा रानी की सराय शंकरपुर चेक पोस्ट पर अलाव जलाने की भी व्यवस्था की, जिससे राहगीरों को ठंड से राहत मिल सके। रानी की सराय थाना प्रभारी केशव प्रसाद द्विवेदी एवं पुलिस कर्मियों के भीतर समाज सेवा की भावना को देखकर ग्रामीणों एवं राहगीरों ने भी उनके कार्यों की सराहना की। इंडिया पावर न्यूज के लिए वीरेंद्र कुमार सरोज की रिपोर्ट।